हाउडी फिजिक्स लवर्स, एग्जाम्पल नंबर 2.6। टू क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन अ नेशनल लेबोरेटरी। यहां पर दो क्लॉक हैं, एक है क्लॉक वन एंड सेकेंड वन इज क्लॉक टू। दीज आर द टू क्लॉक्स, और इन दोनों क्लॉक्स को हमने टेस्ट किया अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन नेशनल लेबोरेटरी एट 12 o'noon। तो जो स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज 12 o'noon। ओके, स्टैंडर्ड टाइम इन स्टैंडर्ड क्लॉक इन फिजिक्स लेबोरेटरी इन नेशनल लेबोरेटरी इज 12 o'noon। एट 12 o'noon बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक द रीडिंग्स ऑफ द टू क्लॉक्स आर। जब आपके जो नेशनल लेबोरेटरी है उसमें जो क्लॉक है उसमें टाइम था 12 o'noon, उस समय क्लॉक वन और क्लॉक टू ने जो टाइम शो किया ऑन 7 days इन अ वीक वो आपको गिवन है। इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन, जिसमें कि प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट प्रिसीजन की है कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा एक्सपेरिमेंट से वो प्रिसाइज होना चाहिए। सो इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रेसीजन टाइम इंटरवल्स मेजरमेंट्स विच ऑफ द टू क्लॉक्स विल यू प्रेफर। कि अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जिसमें प्रेसीजन रिक्वायर्ड है, जो एटमोस्ट प्रायोरिटी है आपकी वो प्रेसीजन है, तो आप क्लॉक वन या क्लॉक टू में से कौन सी क्लॉक को प्रेफर करेंगे? तो उसके लिए हमें देखना होगा वेरिएशन। प्रेसीजन के लिए हम देखते हैं वेरिएशन इन द रिजल्ट, कि रिजल्ट में कितना वेरिएशन आ रहा है। जितना वेरिएशन स्मॉल होगा हमारा रिजल्ट उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा। सो चलिए पहले इसकी प्रिसाइसनेस देख लेते हैं। बट इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को देख के, क्लॉक वन और क्लॉक टू की ऑब्जर्वेशन को देख के हमें ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जीरो एरर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जीरो एरर बहुत कम है। क्लॉक टू में जीरो एरर लार्ज है एज कंपेयर टू क्लॉक वन। रीजन, स्टैंडर्ड टाइम है 12 o'noon, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है अबाउट 10 o'clock और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है अबाउट 12 o'clock। तो यहाँ पर जीरो एरर का जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 hours है और यहाँ पर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 or 2 minutes है। क्लियर? सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जीरो एरर क्लॉक टू में बहुत लार्ज है, लेकिन सवाल है प्रिसाइसनेस का, प्रेसीजन का। प्रेसीजन में हम जीरो एरर कंसीडर नहीं करते। रीजन, क्योंकि जीरो एरर को हम इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। प्रेसीजन के केस में हम देखते हैं वेरिएशन इन द रिजल्ट। सो देखिए यहाँ पर देखते हैं, पहले क्लॉक वन को स्टडी करते हैं। सो दिस इज फॉर क्लॉक वन। ओके, नाउ फर्स्ट वी स्टडी फॉर क्लॉक वन। तो जब क्लॉक वन के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए इसमें मिनिमम टाइम कितना है। मिनिमम टाइम है इसमें 11:59:8, दैट इज 11:59:08। और अगर इसमें हम बात करें मैक्सिमम टाइम की तो दैट इज 12:01:50। और स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 12 o'noon। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पर देखिए कितना है वेरिएशन। अगर हम इसमें 52 सेकेंड ऐड कर दें तो ये 12 o'noon हो जाएगा, मतलब 12 o'noon से 52 सेकेंड टाइम यहां पर कम है। और यहां पर कितना है 12 o'noon में? अगर आप, ये 1 minute है, 1 minute में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड, सो इट इज 110 सेकेंड। सो वेरिएशन कितना आ रहा है? तो 12 o'noon में लेफ्ट साइड में जो वेरिएशन है दैट इज 52 सेकेंड और राइट साइड में जो वेरिएशन है दैट इज 110 सेकेंड। इसका मतलब टोटल वेरिएशन इज 162 सेकेंड। यहाँ पर जो भी आपका 12 o'noon है उसके माइनस और प्लस में 162 का वेरिएशन है। ठीक है, माइनस में लेफ्ट साइड में 52 सेकेंड और उसके राइट साइड में 110 सेकेंड, सो टोटल वेरिएशन इज 162 सेकेंड। अब बात करेंगे वेरिएशन इन क्लॉक टू। तो क्लॉक टू में मिनिमम टाइम देखिए आप, इसमें जो मिनिमम टाइम है वो है 10:2। क्लॉक टू मिनिमम टाइम इज 10:14:53।
और जो मैक्सिमम टाइम है वो है 10:15:24। सो यहाँ पर टाइम वेरिएशन कितना है दोनों के बीच में अगर बात करें तो ये है आपका 53 में आप 7 सेकेंड ऐड कर दो तो आपका ये 10:15 हो जाएगा और यहाँ पर 10:15 से 24 सेकेंड आगे है तो टोटल जो वेरिएशन है ये कितना हो गया 24 + 7 दैट इज 31 सेकेंड। सो यहाँ पर जो वेरिएशन है वो है 31 सेकेंड और यहाँ पर जो वेरिएशन है 162 सेकेंड। तो इससे क्लियर हो गया कि वेरिएशन जो है वो क्लॉक टू में स्मॉल है एज कम्पेयर टू वेरिएशन इन क्लॉक वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जिसमें प्रेसीजन हाईली रिक्वायर्ड है तो हम वहाँ पर क्लॉक टू को प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू क्लॉक वन बिकॉज क्लॉक टू इज मोर प्रिसाइज एज कम्पेयर टू क्लॉक वन। क्लियर? सो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के और भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बेस्ट वे में समझने के लिए फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। #PhysicsLove